अत्यंत प्रासंगिक विषय भी है। दुनिया के एक हिस्से में जहां लंबे समय से युद्ध चल रहा है, वहीं भारत में भी देखूं तो जहां एक और शांति का वातावरण है, वहां पर भी राम नामी की शोभा यात्रा पर उसको शांति से नहीं निकलने देते, ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। जहां भारत के एक हिस्से में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गई, क्षेत्र को बांटने पर आ गई? अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। किसी दुनिया के दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन अपने ही देश में बंगाल और बिहार में जो स्थिति पैदा कर दो कि रामनवमी के समय भी आपको शांतिपूर्वक शोभा यात्रा ना निकलने दी जाए, आगजनी हो, पथराव हो, हत्या पर मजबूर कर दिया जाए, उस देश में जहां पर देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों को कहते हैं दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है, दिस इज द टाइम टू डिस्कस, डेलिब्रेट एंड बी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिसाइड, और दुनिया उस बात को मानती है, लेकिन अपने ही देश के दो राज्यों के मुख्यमंत्री, एक जहां इस तरह की बातें करते हैं और पक्षपात करने का काम करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या